ये देखिए यहाँ पर खजूर कावा चाय बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ये कावा है, देखिए यहाँ पर जो है गावा खजूर और चाय बिल्कुल फ्री मिलती है। देखिए हरम पर काफ़ी भीड़ भाड़ है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त नज़ारा है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये देखिए वेलकम बैक मुशर्रफ अली खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफ़र। तो दोस्तों आज के मैं इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हाजी अपना सामान बाहर वगैरह हरम के पास रख देते हैं और फिर वो सामान उनको नहीं मिलता है तो वो सामान आपका कहाँ मिलेगा, और अगर आपका हरम के अंदर कुछ सामान वगैरह खो जाता है तो उसका ऑफिस कहाँ है, इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि दोस्तों की कहवा खजूर और चाय फ्री कहाँ मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप चाय कावा खजूर बिल्कुल फ्री कहाँ पर मिलेगी इस ब्लॉग के अंदर बताऊँगा, और सामान जो खो जाता है उसका ऑफिस कहाँ है वो भी इस ब्लॉग के अंदर बताऊँगा। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ दोस्तों। ये देखिए देखिए हवा माशाल्लाह काफ़ी तेज़ चल रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त हवा है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। क्योंकि फाइनली हम आ गए हैं अज्जाद की तरफ, और ये आप होटल देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अल सफ़ा होटल है, देख रहे हैं आप, ये अल सफ़ा होटल है और इसको अज्जाद वाला रोड बोलते हैं। इसी जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा जो चाय और खजूर और आपका कावा यहाँ पर फ्री मिलता है, यहाँ पर काउंटर लगता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, कोई भी ले सकता हैगा और पी सकता है। देखिए यहाँ काफ़ी भीड़ है और यहाँ पर तकरीबन लगे होंगे तीन काउंटर दोस्तों, तीन काउंटर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ से चाय कावा और खजूर ले सकते हैं, ये जहर असर मगरिब के टाइम में हमेशा मिलता आएगा दोस्तों। ये देखिए सामने देख रहे हैं आप माशाल्लाह, ये लोग ले रहे हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो यहाँ पर कावा खजूर चाय हमेशा मिलती है, तो आप यहाँ से पी सकते हैं माशाल्लाह, देख रहे हैं आप। देखिए हमने ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए। देखिए इसी तरीके का मैं दूसरा काउंटर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं दूसरा काउंटर है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहा है माशाल्लाह। ये दूसरा काउंटर है, यहाँ पर भी आपको कावा खजूर चाय बिल्कुल फ्री मिलेगी दोस्तों। ये देखिएगा आप, ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं आप, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ये देखिए। चलिए देखा आपने दूसरा काउंटर, अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा काउंटर दोस्तों। ये देखिए सामने जो है तीसरा काउंटर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी रश कम है, ये देख रहे हैं आप, ये तीसरा काउंटर है, ये देखिएगा आप, चाय कावा और खजूर हमेशा यहाँ पर मिलती रहती है। और ये देखिएगा सामने आप देख रहे हैं दोरार अल अलीमान रॉयल होटल, बिल्कुल इसी के नीचे है, आगे दूसरा होटल है, और ये जगह आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, सामने देख रहे हैं आप, ये WCC 1 है और सामने 2 है, और इसी के सामने ये आप देख रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह। देखिए खजूर चाय कावा जो भी आपको चाहिए आप बिल्कुल फ्री आपको मिलेगा, देख रही लेडीज़ वगैरह पी रही होंगी, ये देखिएगा दोस्तों। ये तीन यहाँ पर काउंटर लगे हुए हैं अज्जाद की तरफ, बिल्कुल हरम के करीब है माशाल्लाह, तो आप यहाँ पर आके पी सकते हैं बेतकल्लुफ़ बेझिझक। ये देखिए पी रहे हैं, देखिए लोग माशाल्लाह,
और देखिए कंपनी वाले सभी के लिए है, यहाँ पर आप आराम से पी सकते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो उम्र पे लोग आते हैं और वो अपना बैग इधर उधर रख देते हैं और फिर उम्र करके जब वापस लौटते हैं फिर उनको अपना बैग वगैरह नहीं मिलता है, और किसी का अगर पर्स वगैरह चोरी वगैरह हो गया तो वो कहाँ मिलेगा, वो ऑफिस कहाँ पर है, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। माशाल्लाह काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, आप देख रहे हैं अभी लोग छाए के अंदर खड़े हुए हैं दोस्तों। देखिए बिल्डिंग के लोग खड़े हुए हैं, इनकी सैलरी आ गई है, अकाउंट से सैलरी निकालना है, देख रहे हैं आप। ये वर्कर हैं दोस्तों जो हरम, नए वाले हरम के अंदर काम कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है फहद गेट 79, ये आप देख रहे हैं 70 गेट बाहर है, और ये सामने WCC 8 नंबर आपको नज़र आ रहा है, और ये 8 के सामने ही बिल्कुल ये 6 नंबर WCC है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, अगर सामान आपका खो जाए तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, लोग यहीं पर ही सामान अपना लेने के लिए आते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं ये जगह, आप यहाँ पर आके पता कर सकते हैं। और ये सामने जो है 7 नंबर WCCC है, और ये 6 नंबर जो मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, देखिए बिल्कुल हरम के सामने, ये देख रहे हैं आप। तो आपके लिए आप अपना सामान यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं आके, ये देखिए दोस्तों। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी जगह, जहाँ पर अगर यहाँ ना मिले तो आपको दूसरी जगह कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए ये है दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, देख रहे हैं आप। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपके लिए कि आप अपने सामान को कहाँ देखेंगे। ये दारुल तौहीद है, तो ये मोबाइल का ऑफिस है बराबर में, फिर ये परफ्यूम की दुकान है, फिर जैन का ऑफिस है दोस्तों। चलिए वो दिखाते हैं हम आपके लिए दोस्तों। ये देखिए जैन का ऑफिस देख रहे हैं, सिम का जैन का, ये दारुल तौहीद बिल्कुल सामने जब आप आ जाओगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये देख लीजिएगा, ये जगह पहचान लीजिएगा, सामान यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं किसी से भी। ये पूरा ऑफिस है यहाँ पर दोस्तों, जो सामान इधर उधर आप टांग देते हैं बाद में नहीं मिलता तो वो ला के यहाँ पर छोड़ देते हैं हाउसकीपिंग के लोग। सामने देखिए जबले उमर के ये टावर हैं, होटल है, ये भी जबले उमर के हैं। सामने मस्जिद, ये आपका अंजुम होटल है, और ये मलिक अब्दुल्ला हरम है, देख रहे हैं आप, पूरा मलिक अब्दुल्ला हरम है। उसी के सामने ही ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी हुई है बैटरी वाली, जो हरम के आसपास बाहर जो सामान प्रोडक्ट होता है वो यहाँ ला कर वो छोड़ देते हैं, तो आप यहाँ से दोस्तों अपना सामान वगैरह ले सकते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, जगह वो पहचान लीजिएगा, सामने ये दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, ये देखिए लिखा हुआ है दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, बस इसी के साथ में है दोस्तों। ये देखिए, ये मैंने जगह आपको दिखा दी। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरी जगह का ऑफिस, वो किस साइड में है वो मैं आपके लिए दिखाऊँगा, यहाँ से दूर है वो आपको दिखाऊँगा, ताकि उस साइड से अगर हाजी आएँ तो उधर भी जाकर अपने ऑफिस में जो है सामान अपना पता कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, और ये है दोस्तों सफ़ा मरवा के बाहर का एरिया, आप देख रहे हैं माशाल्लाह। और सफ़ा मरवा के ही बाहर से ही सामने जो है अबू जहल का घर है, सामने जो देख रहा है वो मैं आपको दिखा दूँगा, और बस वो अबू जहल के घर के पास ही जो है दोस्तों ऑफिस है, जो सामान वगैरह गुम हो जाता है तो वहाँ पर ऑफिस आप कंप्लेंट वगैरह भी करा सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए तो चलिए हम आ चुके हैं सफ़ा मरवा की तरफ, और सफ़ा मरवा की तरफ हम जाएंगे अबू जहल के घर के ऊपर, जहाँ पर ऑफिस बना हुआ है वो मैं आपको ऑफिस दिखाऊंगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा, ये देखिए इधर काम वाम वगैरह चल रहा है सफ़ा मरवा के बाहर की तरफ, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए फ्री व्हीलचेयर का जो है ऑफिस है, आप यहाँ से फ्री व्हीलचेयर ले सकते हैं बिल्कुल, आप अपना पासपोर्ट की कॉपी दिखाइए, यहाँ से बिल्कुल फ्री व्हीलचेयर मिलेगी आपको दोस्तों।
और ये है दोस्तों कशाशिया हमाम, आप देख रहे हैं ये कशाशिया है बिल्कुल मरवा के बाहर, कशाशिया हमाम इसको कहते हैं। और यही अबू जहल का घर हुआ करता था दोस्तों, जहाँ पर ये WCC बना दिया है। और सामने आप देख रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का घर है, सामने देख रहे हैं इसको लाइब्रेरी बना रखा है। ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का घर है दोस्तों, ये देखिएगा। और इसी के साथ में ही ये अबू जहल का घर हुआ करता था दोस्तों। चलिए हम इसके ऊपर चलते हैं, वो मैं आपको केबिन वगैरह दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये कशाशिया हमाम के साथ में ही हैं, तो आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं, ये ऑफिस है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर जो है व्हीलचेयर का ही बना रखा, देखिए कितनी बहुत सारी व्हीलचेयर वगैरह रखी हैं यहाँ पर, तो आप व्हीलचेयर वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। और ये सामान जो खो जाता है वो भी देख रहे हैं हुआ। तो देखिए जो लॉस्ट एंड फाउंड का है तो आप यहाँ पर आके पता कर सकते हैं, ये ऑफिस है कशाशिया टॉयलेट के पास, ये आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस, तो आप यहाँ से आगे देख सकते हैं। ये देखिएगा पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। और ये देखिए ये है अबू जहल का घर कशाशिया हमाम, ये देख रहे हैं आप कशाशिया हमाम है पूरा, ये देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों हम अबू जहल के घर से बाहर निकलते हैं, यानी इसको कशाशिया हमाम कहते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको दिखाया दोस्तों कि आपके लिए चाय खजूर गावा कहाँ फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ मैंने वो भी दिखाया आपके लिए कि कहाँ कहाँ अगर आपका सामान खुल जाए तो कहाँ कहाँ ऑफिस है, वो भी मैंने दिखाया दोस्तों। तो कमेंट करके ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।